नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में झड़प हुई है। हॉस्टल के छात्र और बाहरी छात्रों के बीच झड़प हुई है, तो पुराने विवाद में दोनों गुट आमने सामने आए हैं। पुलिस ने एलयू हॉस्टल के छात्र को भेजा है हॉस्टल, तो बाहरी छात्र को भेजा थाना। हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां यूनिवर्सिटी के छात्रों के दो गुटों में झड़प हुई है। हॉस्टल के छात्र और बाहरी छात्रों के बीच झड़प हुई है। पुराने विवाद में दोनों गुट आमने सामने आए हैं। पुलिस ने एलयू हॉस्टल को के जो छात्र को हॉस्टल भेज दिया और बाहरी छात्र को थाना भेजा है, तो हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय का है मामला। शुभम पांडे हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? शुभम, आवाज आ रही है आपको? जी, एक बार अपना सवाल दोहरा दें। बिल्कुल, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जो दो गुटों में झड़प हुई है, छात्रों के जो दो गुट बताए जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ अपडेट्स पूरे मामले में? जी देखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दो गुट आपस में भिड़ गए छात्रों के, और एक गुट के द्वारा दूसरे गुट को काफी ज्यादा मारपीट की गई, लहूलुहान भी कर दिया गया है। अभी फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंच के दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों को अभी अपने साथ बैठाया हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि हसनगंज थाने के पास भी वहां पर छात्र कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जिस गुट के लोगों के द्वारा ये मारपीट की गई है, उन लोगों को पुलिस चिन्हित कर रही है, और इसके बाद जो विधिक कार्रवाई है वो करने के बाद पुलिस की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शुभम। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हुई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के छात्रों और बाहरी छात्रों के बीच झड़प हुई है, और पुलिस ने हॉस्टल के छात्र को वापस हॉस्टल भेज दिया, वहीं बाहरी छात्रों को जो है थाने भेजा गया है, तो पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं।